अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। वेल फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? और उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूंगी। और आज हमारे घर में है इनविटेशन, और आज मेरी बड़ी सिस्टर्स यहां पे इनवाइटेड हैं, और छोटी सिस्टर की और बड़ी सिस्टर की फरमाइश पर आज हम बनाने लगे हैं कढ़ी चावल। और मेरी भाभी रेडी कर रही हैं ये कढ़ी। इतनी बड़ी देगची में कढ़ी बनाना भी बहुत एक काम है, इसको मैनेज करना, इसके मसाले बिल्कुल बैलेंस में रखना, सभी कुछ बहुत एक महारत की बात है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखें, पकोड़ों का मटेरियल भी रेडी हो रहा है। ये हम लोगों ने सारा रेडी करके रख लिया है, और साथ ही हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है। आप स्पून की हेल्प से आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं, बस लोग हाथों की मदद से भी डालते हैं। इट्स अपॉन टू यू कि आप लोग किस तरह से ये पकौड़े बनाते हैं। तो हम लोग दोनों तरह से बना लेते हैं, जैसे आज विद द हेल्प ऑफ स्पून, और वैसे हम लोग हाथ की मदद से भी डाल लेते हैं ये। और अगर आप हाथ से डालें तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अगर गर्म ऑयल आपके हाथ पर गिरेगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा नुकसान तो होगा। तो इसलिए आप भी स्पून यूज़ कर लें, बहुत अच्छे और ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत मीडियम साइज़ के पकौड़े अच्छे से स्पाइसी और क्रिस्पी देखें इस तरह से रेडी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये देखें हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, और इसमें हमने तड़का भी लगा लिया है जनाब, ज़बरदस्त खाना रेडी है। और अब हम खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल गाइस, दुआ में याद रखिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।